सोशल मीडिया पे इस वक्त मोदी का परिवार सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 2019 की तर्ज पर 2024 में भी बीजेपी इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी 2024 की तारीख ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकती है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। सोशल मीडिया पे इस वक्त मोदी का परिवार सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, जैसे मैं हूँ चौकीदार ट्रेंड किया था, वैसे ही मोदी का परिवार भी ट्रेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 2019 की तर्ज पर 2024 में भी बीजेपी इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत ज्यादातर बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने आज अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर प्रोफाइल के बायो में जानकारी को अपडेट कर दिया, जिसके बाद अचानक से मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा और ट्रेंड करने की बाढ़ सी आ गई। दोपहर के समय नेताओं के एक्स हैंडल पर नाम के आगे मोदी का परिवार शब्द भी जोड़ दिया गया। खास बात यह है कि शब्द का इस्तेमाल एक ही समय पर कई बीजेपी नेताओं ने एक्स अकाउंट पर कर दिया। अब आप ये सोचेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन बड़ी बात है और आगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बायो में बदलाव से जुड़ा ये फेरबदल तब देखने को मिला जब कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा के दौरान कहा था कि पूरा देश उनका परिवार है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के उस बयान के मद्देनजर बीजेपी के और नेताओं ने पार्टी की रणनीति के तहत उसे एक्स अकाउंट पर बायो में ऐड ऑन कर लिया है, यानी कि जोड़ लिया है। तो बीजेपी के किन किन नेताओं ने बायो बदला है, चलिए आपको बता देते हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, शहजाद पूनावाला और से और भी बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने बायो बदल दिया है। तो इस मामले में आया है कि पीएम मोदी का परिवारवाद पर बयान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परिवारवाद पर कटाक्ष करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं और विपक्ष को निशाने पर लेते रहते हैं। परिवारवाद को लेकर हमेशा बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है और इसी के तर्ज पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद में कहा था कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में डूबे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता बौखलाते जा रहे हैं। इन्होंने 2024 का असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो ये बोलने लगे हैं कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है, कल तो ये कुछ भी कह देंगे। मेरा जीवन दरअसल खुली किताब है, देशवासी मुझे अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है, मैं देर रात तक काम करता हूँ और खबर बाहर निकल जाती है। लोग तब लिखकर बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम भी कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी बातें कही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें लगातार अपने संबोधन में करते हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इसी वजह से इन शब्दों को और ज़्यादा हवा देने की कोशिश लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष ये समझ चुका है कि जो 400 प्लस का नारा एनडीए गठबंधन दे रहा है उसमें कोई ना कोई कॉन्फिडेंस तो है और कोई ना कोई बात है। और इसी की तर्ज पर जैसे कि 2019 में मैं चौकीदार हूँ और दूसरा मैं चौकीदार हूँ की जगह राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब मोदी का परिवार चल रहा है, अब देखना है कि इंडिया गठबंधन इसे कैसे लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बोलते हैं कि आपके सपनों के लिए मैं जिंदगी खपा दूंगा। बीजेपी के फ्राई ब्रांड नेता की ओर से कहा गया है कि मैंने एक सपना लेकर घर छोड़ा था और जब फैमिली छोड़ी थी तो सोचा था कि मैं देशवासियों के लिए जीवन बिताऊंगा। मेरा पर्पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यानी कि जनता के लिए है, मेरा निजी सपना नहीं होगा, लोगों के सपने ही मेरे संकल्प होंगे और आपके सपनों के लिए मैं जिंदगी खपा दूंगा। यही वजह है कि देश के कोटि कोटि लोग मुझे मानते हैं और मुझे परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते हैं। मोदी के परिवार वाले बयान को लेकर वो आगे बोलते हैं कि मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, ये नौजवान है, ये मेरा परिवार है। जहां एक तरफ ये कहते हैं कि सारी जो जनता है वो हमारा परिवार है, तो दूसरी तरफ न्याय दिलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मेरा परिवार है और न्याय दिलाना, जनता किस ओर ज्यादा रुख कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मेरा परिवार है। आज देश का हर गरीब मेरा परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बुजुर्ग और बच्चे, ये मोदी का परिवार है। जिनका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार है। तो आइए सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था। कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए
जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं नेने मोदी कुटुंबम, नेने। देखिए यहां तक तो ठीक था, बहुत अच्छी बात है कि कैंपेन इस तरीके से चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या मैं हूं चौकीदार वाला ही पैटर्न बीजेपी दोबारा अपनाना चाहती है 2019 की तरह। देखिए दो बार एनडीए सरकार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, चाहे वो 2014 की हम बात कर लें, चाहे वो 2019 की बात करें, लेकिन इस बार पहले से ये तय कर दिया गया है कि बीजेपी 370 से ऊपर होगी और एनडीए गठबंधन 400 से ज़्यादा होगा। अब ऐसे में ये कैसे होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कहीं ना कहीं ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और कहीं ना कहीं इसको पकड़ रही है और इसी तरीके से बीजेपी ने धीरे धीरे करके पैटर्न बना दिए हैं। वैसे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक्स पर बीजेपी नेताओं की ओर से मोदी के परिवार नाम का इस्तेमाल ठीक चुनावी समर से पहले किया गया है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी इस मोदी के परिवार वाले नारे और अप्रोच के जरिए वोटर्स को साधना चाहती है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, दिख रहा है वो मैं हूं चौकीदार नारा भी तब अभियान बना था। आपको याद होगा 2019 की बात है, भूल कौन सकता है। 2019 के आम चुनाव से पहले भी नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान पॉपुलर हुआ था। उन्होंने तब कहा था कि मैं तो चौकीदार हूं। बीजेपी की ओर से इस नारे को लेकर बड़े स्तर पर अभियान चले गए थे और इस बार परिवार वाले नारे पर मोदी का परिवार वाला नारा देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां बीजेपी को ऐसे बयानों से फायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं फिर से पीछे की तरफ धकेलना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस हर एक नारे को गलत तरीके से ले रही है और यही वजह है कि कांग्रेस का धीरे धीरे पतन हो रहा है। हालांकि देखना यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, क्योंकि नेतृत्व कांग्रेस ही कर रही है, कितनी वोट हासिल कर पाती है और कितनी सीटें ला पाती है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी और अब न्याय यात्रा भी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो न्याय यात्रा का कितना असर नजर आएगा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में जीतना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये आसान है। बीजेपी के लिए दक्षिण का दुर्ग मुश्किल हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत में बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसमें बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, 10 साल के काम भी आ जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण 22 जनवरी 2024 की तारीख, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पॉजिटिव फैक्टर साबित हो सकती है और 400+ में कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो एड ऑन हो सकता है। भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।